नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं हरिकेश्वर सर आप लोग का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अलंकार। इससे पहले कि यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, हम लोग तीन पार्ट में पढ़ने वाले थे अलंकार, जिसमें पहले पार्ट में हमने संक्षिप्त तो परिचय दिया अलंकार, उसके भेद। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार का एक पार्ट जिसका नाम है शब्द अलंकार। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार के मुख्यतः भेद हमने तीन बताया है, लेकिन हम लोग को सारे भेदों को पढ़ना है, यानी जितने शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। सबसे जो पहला है वो है अनुप्रास, देख लीजिएगा। सबसे जो पहला है ये अनुप्रास है। अब देखिए, अनुप्रास का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति, अब किसकी आवृत्ति होती है? तो वर्णों की आवृत्ति होती है। और किन वर्णों की? तो खासकर व्यंजन वर्णों की। यानी जहां कहा जाता है कि जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, आपको परिभाषा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि परिभाषा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि वर्णों की आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहते हैं, तो वो अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास। क्योंकि अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ ही होता है आवृत्ति, और आवृत्ति तो किसकी आवृत्ति? वर्णों की। और इसमें किसकी? तो व्यंजनों की। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम, देख लीजिएगा। कह रहा है कि रघुपति राघव राजा राम, यानी देखिए, तो ये व्यंजन है, इसकी आवृत्ति, इसी की आवृत्ति, इसी की आवृत्ति और इसी की आवृत्ति, यानी र वर्ण जो है इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? तो 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से जहां व्यंजनों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक उदाहरण हम आपको और दिखाना चाहते हैं, इसी की दूसरी लाइन को, पतित पावन सीताराम। अब यहां भी देखिए, आवृत्ति ये हो गई, एक बार प की आवृत्ति हो गई, यानी प दो बार आया। और ये भी देखिए स्वरूपगत और क्रमगत है। तो जहां व्यंजनों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब देखिए, हमारे हिंदी में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कहीं से दिक्कत आए तो यहां देखिए एक बार ये है, और जब एक से अधिक होगा तो ये बहुवचन हो जाएगा, यानी यहां भी आवृत्ति हुई। इसके बाद आप लोग तमाम उदाहरण देख सकते हैं, चरण धरत चिंता कर चितवत चारों मरकट विकट भट जुटत काटत तन जर्जर भगे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे। तमाम उदाहरण आपको इसमें अनुप्रास में मिलेंगे, जिसमें आपके व्यंजनों की आवृत्ति रहेगी। देखिए, इसके पांच भेद भी होते हैं, जिसका बहुत जिक्र तो नहीं है, लेकिन आप लोगों का यदि कमेंट आता है तो इसका हम एक अलग से पार्ट बना के वीडियो आपको डाल देंगे। अनुप्रास अलंकार के पांच भेद, जिसमें छेका भृत्या श्रुत्या अंत्या और लाटा, ये पांच भेद होते हैं। आगे चलते हैं हम यमक के तरफ। तो दूसरा शब्द अलंकार है यमक, अनुप्रास के बाद यमक। अब देखिए, इसमें भी आवृत्ति होता है, इसमें भी आवृत्ति होता है, लेकिन इसमें वर्णों की आवृत्ति नहीं, किसकी आवृत्ति? शब्दों की। जिस तरह से उसमें आप देखे हैं वर्ण की आवृत्ति थी, उसी तरह इसमें शब्द की आवृत्ति होगी। और वो शब्द की आवृत्ति जैसे दो बार हुई है, दो बार वो शब्द आए हैं, तो दोनों बार उनके अर्थ अलग अलग होंगे। याद रखिएगा, इसकी परिभाषा दे देते हैं, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु उनके अर्थों में अंतर पाया जाए, वहां हमारा अलंकार यमक होता है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, कनक कनक ते शगुनी मादकता अधिकाय, मादकता
अधिकाय, दूसरी लाइन है वही ई खाए बौराय नर वही पाए बौराय, छोड़ दिया जाए यहां समझिए। देखिए कनक आ कनक ये शब्द की आवृत्ति हो गई, कनक कनक दो बार आ गया, एक कनक का अर्थ सोना होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। तो इस तरह से देखिए शब्दों की आवृत्ति है और इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक और उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, तीन बेर खाती ते वे, तीन बेर खाती है, देख लीजिए कितना आसान है, तीन बेर यानी तीन बेर तीन बेर तीन बेर तीन बेर यह आवृत्ति हुई। तीन बेर का मतलब तीन समय एक तरह से कहा जाए, पहर कह सकते हैं, कई लोग तीन बार खाते हैं, एक बार सुबह एक बार दोपहर एक बार शाम को, वही समय का बोध कराया है। और यहां तीन बेर मतलब ये जो वेर होती है जो फल अरे आपके शिवरात्रि में चढ़ाया भी जाता है भगवान शिव जी के ऊपर, तो वो तीन बेर जिसको गांव में लोग बैर बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसमें तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे, माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, वहां भी मन का दो बार आया है। जैसे तेरी बरछी ने है खनन के, बरछी ने बरछी ने बरछी ने बरछी ने, तो जहां शब्दों की आवृत्ति होगी और परिस्थिति बस उसके अर्थों में अलग अलग परिवर्तन मिलेगा, अलग अलग अर्थ होंगे, वहां आपका यमक अलंकार होगा। आगे चलते हैं, यमक की बात श्लेष, आप देखिए श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, इसको हम लिख सकते हैं चिपका हुआ, यानी जहां एक ही शब्द में, शब्द एक ही होगा एक ही शब्द के कई अर्थ हो, कई अर्थ एक शब्द के कई अर्थ हो, वहां आपका श्लेष अलंकार होता है। एक बार और शुरू से सुनते जाएंगे, अनुप्रास मने आवृत्ति था, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, जहां शब्दों की आवृत्ति होती है परिस्थिति बस उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जो शब्द आवृत्ति में आते हैं उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां यमक होता है। और श्लेष मतलब जहां एक ही शब्द होगा परिस्थिति बस उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे देखिए 60 में उदाहरण लिख दे रहे हैं, शुभरन को खोजत फिरत कवि कामी और चोर, कामी को व्याभिचारी भी कहते हैं। देखिए कह रहा है कि शुभरन को खोजत फिरत, ये शुभरन की ही बात कर रहा है, कह रहा है देखिए सिंपल सी बातों में समझेंगे तो कह रहा है शुभरन को खोजत फिरत कवि कामी चोर, ये तीनों लोग किसको ढूंढ रहे हैं, तो सुवरण को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये जो कवि है ये सुवरण का अर्थ सुंदर वर्ण से लगाता है, सुंदर वर्ण, ये जो कामी व्यक्ति है इस सुवरण इसी सुवरण का अर्थ ये लगाता है सुंदर स्त्री से, सुंदर स्त्री, और ये जो चोर है इसी सुवरण का अर्थ लगाता है सोना से, सोना स्वर्ण जिसको कहते हैं, सोना का तत्सम स्वर्ण होता है और सुनार का तत्सम स्वर्णकार होता है। देख लीजिए अब ये कवि क्या ढूंढता है तो सुंदर वर्ण, कामी क्या ढूंढता है सुंदर स्त्री, चोर क्या ढूंढता है सोना। यदि इसको हम अलट पलट कर दें इधर का उधर कर दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कामी सुंदर वर्ण क्या करेगा, कामी मतलब जो काम वासना में लिप्त रहे, ये चोर क्या करेगा किसी के स्त्री को चुराएगा, सुंदर स्त्री को चुराएगा नहीं, उसको क्या चाहिए संपत्ति चाहिए सोना चाहिए। तो इस तरह से एक और उदाहरण हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, देखिए यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग निसंकोच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा, समझ में नहीं आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम इससे भी सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पानी 60 में लिख रहे हैं, ऊपर है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, अब पानी गए ना उबरा
मोती, मानुष और चून। देख लीजिए यहां भी मोती, मानुष और चून की बात हुई है, और किसके अर्थ में, तो पानी, पानी ही गए ना, उभरे मोती मानुष चून। तो अब मोती मतलब मोती के लिए, पानी का मतलब चमक। जैसे आप लोग सुने भी होंगे, कहते हैं लोग कि सोने का पानी चढ़ाया गया है, हीरा का पानी चढ़ाया गया है। आगे चलते हैं मनुष्य, तो मनुष्य का पानी मतलब इज्जत या स्वाभिमान या जो भी कह सकते हैं, मनुष्य के पास ये होना चाहिए पानी। उसके बाद चून, मैंने चूना होता है, तो चूना में पानी का मतलब जल होता है। अब देखिए ये पानी के तीन अर्थ, एक चमक हो गया, एक इज्जत हो गया, एक जल हो गया। तो इस तरह से जहां एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहां आपका श्लेष अलंकार होता है। आगे बढ़ते, यही तीन आपके मुख्य थे शब्द अलंकार के भेद। आगे हम दो भेद जो और हैं उनको भी बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए। स्पेशल वक्रोक्ति अलंकार था, वक्रोक्ति देख लीजिए, बहुत ही आसान है इसका। यदि आप लोग संधि विच्छेद कर दें तो ये हो जाएगा वक्रधन उक्ति। और उक्ति मैंने कथन होता है, ऋजु का विलोम वक्र होता है, ऋजु मैंने सीधा, वक्र मैंने टेढ़ा। ये कह रहा है वक्रोक्ति यानी वक्रधन उक्ति। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जहां कथन ही उल्टा हो, यानी कहने वाला कहे कुछ और सुनने वाला उसे समझे कुछ और, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें को तुम हो, उदाहरण है को तुम हो, इत आए कहां से, को तुम हो इत आए कहां से। दूसरी लाइन है घनश्याम हाँ तो कितहुं बरसो, कितहुं बरसो। फिर कह रहा है चितचोर, चितचोर कहावत है हम तो, कहावत है हम तो जाहूं, जाहूं जहां घन है सरसों। देख लीजिए कितना आसान है, कह रहा है ये राधा और कृष्ण की वार्तालाप, राधा और कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का एक नाम घनश्याम भी है, सबको पता होगा श्री राम जी का भी नाम एक घनश्याम है। तो ये कह रहा है कि को तुम हो यानी तुम कौन हो, इत आए कहां से, कहां से आए, राधा जी पूछ रही है श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि घनश्याम, तो फिर राधा जी कह रही है घनश्याम हो तो कितहुं बरसो, बादल समझ गई है, घन मने बादल और श्याम मने काला यानी काले बादल, काले बादल को समझ के कह रही है कि घनश्याम हो तो कितहुं बरसो, कई बरसो। फिर कह रहे हैं कि चितचोर कहावत है हम तो, कृष्ण पुनः कह रहे हैं, कह रहे हम चितचोर कहलाते हैं। तो कह रही है पुनः राधा जाऊं जहां घन है सरसो, यानी वहां जाओ जहां सरसों की लहलाती फसल हो। यानी कुल मिला के आप सिंपल शब्दों में याद रखेंगे कि वक्रोक्ति हम लोग के साथ भी होता है। जैसे मम्मी पापा घर के लोग कोई भी कहते हैं कि पानी लाना, आ हम लोग पानी के जगह पे दूसरा कुछ लाते हैं, यही वक्रोक्ति है। क्यों, क्योंकि कहने वाला कहा कुछ और, आ हम लोगों ने उसे सुन लिया, उसको समझ लिया कुछ और। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, एक और अलंकार है विप्सा, उसके बाद शब्द अलंकार का समापन होगा और अगले पार्ट के वीडियो में आपको मिलेगा अर्थ अलंकार, जिसमें हम आपको बहुत ही व्यवहार सारे उदाहरण के साथ अलंकार बताएंगे। तो देखिए अगला है विप्सा। अब विप्सा मतलब होता है घृणा, क्यों, क्योंकि आप रस पढ़ चुके हैं, रस में एक जुगुप्सा था, विभत्स रस का स्थाई भाव जुगुप्सा, तो वो विप्सा माने घृणा होता है। इसकी परिभाषा जहां शोक, जहां पुनरुक्ति द्वारा शोक अथवा घृणा का भाव होता है वहां विप्सा अलंकार होता है। जैसे शोक का भी भाव होगा, घृणा का भी भाव होगा, तो समझ लीजिए विप्सा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, चिता जलाकर पिता की
देखिए, चिता जलाकर पिता की हाय हाय, देख लीजिएगा ये हाय हाय आ गया शोक का भाव। चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन। दूसरी लाइन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन, यादों में तल्लीन। देखिए कह रहा है कि चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन। कोई व्यक्ति अपने पिता की चिता जला के दुखी हो रहा है और नर्मदा में नहा करके उनके यादों में तल्लीन हो जा रहा है। तो जो हमने आपको पहले ही परिभाषा बताया कि जहां शोक अथवा घृणा का भाव होता है वहां व्यप्सालंकार होता है। देखिए आपको हम दो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन तो पहला ये क्योंकि आप लोग संधि पढ़ चुके हैं और देखिए आपको कमेंट करने में कुछ जाता नहीं है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो बताइए, क्योंकि आपसे यही एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है। और एक बात और आपको बता दें कि पूरे वीडियो को आप देखिए और वास्तव में निसंकोच आपको समझ में आएगा, नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम सिर्फ आपका सहयोग कर रहे हैं, पढ़ना आपको है, बस आप हमारे विश्वास पे खड़े आइए। एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि तल्लीन में कौन सी संधि है और फिर दूसरा कि तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप लोग हमारे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इससे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि देखिए हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि जो चलता है वही थकता है, वही गिरता है और वही आगे भी बढ़ता है। तो जैसे हम चल रहे हैं वैसे आप भी हमारे साथ चलिए, निसंकोच आपको लाभ मिलेगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम सदैव आपके साथ रहेंगे और बहुत जल्द हम आपको अपना नंबर दे देंगे, कोई भी दिक्कत होगी निसंकोच बात करिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, आप लोग का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।